गृह मंत्री जी नो आप डिबेट में गृह मंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी शोर शराबा कर इतने बड़े वाक्या को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता जी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को, हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है, आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला है। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपता आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ, आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर सर, अरे राहुल जी बैठ जाइए, बोलिए आप क्या अध्यक्ष में, देखो कोई राय नहीं आएगा आपकी तरफ से, बोल दीजिए मुझे बोले तो। कल प्रधानमंत्री मोदी जी के समय भी सर आप ऐसे रहिए सर। आओ जी बोलिए, आई एम नॉट स्पीक अंटिल दैट वॉइस। स्पीकर सर, ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी को हिंसावादी करार नहीं दे सकता है, और इन्होंने हिंदू का हिंसावादी कहा है सर। संविधान का इन्होंने अपमान किया है, संविधान की झूठी दुहाई दी है, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये आर्टिकल 25 है सर संविधान का सर, इनको माफी मांगनी चाहिए। आर्टिकल 25 जो है संविधान, और ये देश संविधान से चलता है, ये पार्लियामेंट संविधान से चलता है सर, इनको माफी मांगनी चाहिए सर। ये संविधान से ऊपर नहीं है सर, कांग्रेस संविधान से ऊपर नहीं है। तुम्हें क्या, आर्टिकल
पार्लियामेंट का आप लोग जमींदारी है क्या? जमींदारी बिठा दी सर, 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 स्पीकर सर, माने प्लीज, प्लीज एक मिनट, एक मिनट देता हूँ मैं आपको, हिंदू धर्म कहता है, एक मिनट प्लीज, माने सर प्लीज, एक माने प्लीज एक मिनट प्लीज, माननीय सदस्यगण, ये सदन की एक मिनट मैं दूंगा, अलाउ करूंगा आपको। माननीय सदस्यगण, इस सदन की एक गरिमा रही है और हमें संवाद चर्चा करते समय इस सदन की गरिमा को रखना चाहिए और ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात जो पूरे समाज के पर विषय हो, कम से कम प्रतिपक्ष के नेता को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको सीरियस तरीके से देखूंगा। सर, अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो शिव तो क्या हो रहा है सर? अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। स्पीकर सर, कहां कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है? प्लीज प्लीज सर, कहां कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार, अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान, सर क्या रूलिंग, सर मेरा व्यवस्था का सवाल है, इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्त धून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं? नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब, सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए, ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। ठीक है सर, एक मिनट प्लीज, माननीय सदस्यगण आप ही किताब बता, राम भगवान की जन्मभूमि ने, अपेक्षा करता हूं कि अपन इसके